फ्रेंड्स आप देख रहे हैं टेक्निकल हिंदी गुरुजी। फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि नीट 2022 की आंसर की और रिजल्ट कब तक आ सकता है। मैंने कल भी एक वीडियो प्रोवाइड कराया था जिसमें मैंने आपको बताया था, टाइम्स ऑफ इंडिया के एंकर हैं, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर वेरीफाइड है उनका ट्विटर, तो उन्होंने बोला था कि आपकी आंसर की 18 जुलाई तक आ जाएगी। ठीक है, देखिएगा मेरा बस काम इतना है कि जो भी अपडेट आते हैं सोर्स के थ्रू पे मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ उसके द्वारा। लेकिन कुछ बच्चे बोले थे कि सर आपको कैसे श्योर है कि आ सकती है। मैंने कल आपको बोला था कि 18 अगस्त तक आंसर की आ सकती है, वो भी एक सोर्स के थ्रू मैंने बताया था, ऑफिशियल आपको मैंने दिया था मैंने। ठीक है, तो मैंने आपको वहाँ पर बताया था, तो जब बच्चे बोल रहे थे तो मैंने सोचा आपको इस चीज़ के लिए भी इन्फॉर्म किया जाए। मैंने जब कल आपको बोला था कि 18 अगस्त तक आपकी आंसर किया जाएगी, तो उसके पीछे भी मैंने कुछ एनालाइज़ किया जो कि मैंने आपको कल बताया नहीं था, लेकिन स्टूडेंट्स की डिमांड थी। लेकिन मैं आपको आज बता देता हूँ कि वो मैंने कल किस तरह से कैलकुलेशन करके आपको बताया था, और जो अपडेट था वो उस सोर्स के थ्रू भी वहाँ पर दिया गया था। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, कुछ लास्ट ईयर का डाटा लेता हूँ 2019, 2020 और 2021 का, उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि आपके आंसर के रिजल्ट कब तक आ सकता है। आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर एक टेबल यहाँ पर आपको देखने को मिल रही होगी। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ 2019 की, ठीक है, हालांकि NTA की ये गलती होती है, मैं ये गलती NTA की मानता हूँ। NTA को ये अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर ये अपडेट कर देना चाहिए बच्चों कि कब तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, कब तक आपकी आंसर की आ जाएगी, जिससे बच्चे प्रेशर में ना रहते हैं, बच्चे परेशानी ना होती है बच्चों को। लेकिन ये NTA की कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी गलती है। मैं NTA से रिक्वेस्ट करूँगा कि जब तक आपका रिजल्ट और आंसर की नहीं आती, प्लीज़ अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नोटिस पब्लिश करें जिसमें स्टूडेंट को बता दें कि कब तक आपकी रिजल्ट और आंसर की आ सकती है। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि एक एक्चुअल डेट बताओ। आप 2-4 दिन बढ़ा करके अपनी डेट को बता सकते हो वहाँ पर कि भाई इस डेट तक आपकी आंसर की आ जाएगी हर हालत में। ठीक है, तो चलिएगा, खैर NTA अगर इस वीडियो को देख रही हो तो NTA प्लीज़ मेरी इस बात की रिक्वेस्ट है, आप अपनी वेबसाइट पर एक नोटिस पब्लिश करें। चलिएगा आते हैं अपने टॉपिक पर और देखते हैं कि आंसर की आपकी कब तक आ सकती है, जो कल मैंने आपको 18 जुलाई बताई थी। ध्यान रखिएगा 18 अगस्त मैंने बताई थी कि आपकी आंसर की इस डेट तक आ सकती है। 2019 का जो एग्ज़ाम हुआ था वो 5 मई को एग्ज़ाम हुआ था, 5 मई को। आंसर की आपकी जो आई थी वो 29 मई को आपकी आंसर की आ गई थी। ठीक है, 29 मई तक आपकी आंसर की आ गई थी, और 29 मई को आंसर की आने के बाद 31 मई तक आपकी चैलेंज की गई थी आंसर की। ठीक है, ये डेट रही थी, इसमें आपको 3 दिन का समय दिया गया था और रिजल्ट आपको 5 जून को आ गया था। ठीक है, उसके बाद 2020 की बात की जाए तो 2020 में आपकी 13 सितंबर को एग्ज़ाम हुआ था। 2020 की बात कर रहा हूँ, 13 सितंबर 2020 को एग्ज़ाम हुआ था। आंसर की आपकी 26 सितंबर को रिलीज़ की गई थी। 29 जुलाई सितंबर तक आंसर की को चैलेंज किया गया था, जो चैलेंज करने के लिए एवरी ईयर आपको टाइम दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट आपका 16 अक्टूबर को रिजल्ट आ गया था इसका 2020 को। ठीक है, उसके बाद 2021 की बात की जाए तो 12 सितंबर को एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, 12 सितंबर 2021 का एग्ज़ाम हुआ था। आंसर की आपकी 15 अक्टूबर को आंसर की रिलीज़ हुई थी 2021 की। आंसर की चैलेंज करने के लिए 17 अक्टूबर तक आपके पास समय था कि आप 17 अक्टूबर तक अपनी आंसर की को चैलेंज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपका रिजल्ट 1 नवंबर 2021 को रिलीज़ कर दिया गया था। ठीक है, तो ये आपकी एक्चुअल डाटा लास्ट ईयर का है। यहीं पर अगर मैं फ्रेंड्स बात करता हूँ लास्ट ईयर के डाटा के अकॉर्डिंग, तो आंसर की जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 2019 में और आंसर की जो आई थी आपकी, उसमें 23 डेज़ का गैप था। 23 डेज़ बाद आपकी आंसर की रिलीज़ कर दी गई थी। ठीक है, अगर बात करूँ 2020 की, तो 13 दिन का समय आपका यहाँ पर था, एग्ज़ाम होने से लेकर के आंसर की तक 13 दिन का समय NTA ने लिया था। अगर बात करता हूँ 2021 में, तो पूरा 1 मंथ का समय यहाँ पर लिया था। ठीक है, 1 मंथ का समय यहाँ पर NTA ने लिया था। अब मैं बात करता हूँ फ्रेंड्स यहाँ पर कि आपकी जो आंसर की है 2022 की कब तक एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ, कोई ऑफिशियल नहीं है, एक्सपेक्टेड ही मैं बता रहा हूँ। कल सोर्स के जरिए मैंने आपको बताया था कि 18 अगस्त तक आ जाएगी, वो भी एक एक्सपेक्टेड है। जब तक NTA की वेबसाइट पर ऑफिशियल नहीं आती, वो एक्सपेक्टेड ही रहती है। लेकिन जब भी कोई सोर्स के थ्रू अपडेट मिलता है, एक ऐसे सोर्स के थ्रू अपडेट मिलता है जिस पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं, वो एक ऑफिशियल में ही गिनती की जाएगी, उसकी काउंट की जाएगी। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर 17 जुलाई को 2022 का एग्ज़ाम कराया गया था। ठीक है, मैंने आपको बोला था
अप्रोक्स आप देख पा रहे हो, अगर मैं बात करता हूँ 15 से 20 दिन का समय अगर यहाँ पर हम काउंट करते हैं तो शायद आप ये मान सकते हो कि 2022 का जो आंसर की है वो 15 से 20 दिन के एवरेज में आपके आंसर की रिलीज कर दी जाएगी। तो मेरा ये मानना था कि 16 से 20 जुलाई अगस्त तक आपकी आंसर की है वो आ जाएगी, लेकिन फिर मैंने 18 अगस्त आपकी एक डेट दी थी जिस 18 अगस्त दी थी जिसमें आपको ये एक बीच का मिडिल डेट दी थी कि आपकी आंसर की इस डेट तक आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैंने डेट दी थी वो एक महीने को काउंट करके दी थी। क्यों दी थी? क्योंकि लास्ट ईयर भी एक मंथ एंटी ने टाइम ले लिया, क्योंकि 15 दिन तो निकल चुके हैं और 15 दिन में आनी होती तो आ जाती, तो मैंने भी एक मंथ का अप्रोक्स टाइम लेकर के आपकी आंसर की बताई कि भाई इस डेट तक आपकी आंसर की आ सकती है, ठीक है। तो ये डाटा था कि 18 अगस्त तक आपकी आंसर किया जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ जो बच्चे समझ रहे होंगे वो समझ चुके होंगे। रिजल्ट की बात करूँ तो मुझे नहीं लगता कि 1 सितंबर से पहले आपका रिजल्ट आएगा, क्योंकि राजस्थान का एक कॉलेज था जिसमें बच्चों को हिंदी मीडियम वाले को इंग्लिश मीडियम का पेपर दे दिया गया था और इंग्लिश मीडियम वाले को हिंदी मीडियम का पेपर, और जो एजुकेशन मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने ये बोल दिया था कि इन छात्रों का ऐसे जो सेंटर हैं जिन पर मिस्टेक हो गई थी उन पर री एग्ज़ाम करा दिया जाए। तो आंसर की तो आ जाएगी, लेकिन बाद में फिर से आंसर की रिलीज़ होगी जब स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम द्वारा से कराया जाएगा उसके बाद, ठीक है। तो बस ये डाटा था। तो 18 अगस्त तक उम्मीद है कि आपकी आंसर की आ जाए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि NTA अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नोटिस पब्लिश करे जिस पब्लिश में नोटिस में ये बताए कि आपकी आंसर की आ जाएगी। अगर आंसर की जल्दी नहीं आ पाती तो उसके लिए पीछे क्या रीज़न है, क्या कारण है, मैं NTA से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अगर इस वीडियो को देख रहे हों तो प्लीज़ ज़रूर बताएँ। और सभी दोस्तों फ्रेंड्स और स्टूडेंट से मेरा रिक्वेस्ट है, सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ फ्रेंडों में शेयर करें सोशल मीडिया पर, जिससे NTA तक इस वीडियो की खबर पहुँच चुके और NTA अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई नोटिस पब्लिश करके आपको बताएं कि आपकी आंसर की और रिजल्ट कब तक आ सकता है, ठीक है।